हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। चाबी खुलवाए मुझे चाबी रिपोर्टर सब आइए आइए ना सर आइए एक चीज बताइए सबसे बड़े धर्म सम्मेलन में आए हैं दामाद मुख्यमंत्री हैं क्या कहना चाहते हैं? कहना यही हूँ ऐसे तो यहाँ पर मेरा पुराना है 2007 से ही आ रहे हैं आते रहा है क्योंकि लड़की का जो शादी हुआ था 2006 में उसके बाद 2007 से अभी तो कंटिन्यू आ रहा है कोरोना को छोड़ करके कोरोना का 2 साल जो छोड़ करके इस बार फाइनल में आ रहा है। तो कहना यही है कि जो है पहले का जितना विकास हो रहा है मतलब देख रहा है बहुत अच्छा हो रहा है इससे बार भी वो तो बाकी तो पार्टी की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि यह धर्मस्थल है यहाँ तो सभी हर जगह के आदमी आए हुए हैं यहाँ संविधान के संविधान देंगे कल तो सीएम आएंगे ही अलग होता है लेकिन जो है हम तो उनके बेस्ट हैं तो एडवांस में आई हूँ कल बाकी परिवार भी आएंगे मायरोडी आएंगे क्या धर्म सम्मेलन इस बार व्यवस्था देखे क्या लगा है तो रास्ते में नहीं रास्ते में तो सब बहुत अच्छा ही लगा है दूर से नजर आ रहा है कि जो हम ऐसे ही तो पहले जैसे 2007 में आए थे उस टाइम तो यहाँ से मतलब नीचे से पूरा पहाड़ जो है दिखाई देता था लेकिन आजकल दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि जंगल जैसे आ चुका है। क्या कहना चाहते हैं अपने दामाद को राज कर चला रहे हैं ऐसे ही देखो ये तो राजनीति वाले खेल वही बात हो गया ना राजनीति के बाद हम करना नहीं चाहिए क्योंकि जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं ये तो मतलब ज़्यादा बोलेंगे नहीं उसके बारे में क्या कर रहे हैं क्या कुछ नहीं कर रहे हैं वो तो सभी जानते हैं दुनिया जानता है हर मतलब डेली का डेली न्यूज में मतलब सभी हर जगह में फैल रहा है ऑल इंडिया फैल रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं वैसे तो रिटायर्ड कैप्टन अमरान बाजाई मुर्मू है हम लोग रिटायर में हम तो उड़ीसा से हैं मिलिट्री में मतलब मैं 32 ईयर सर्विस करने के बाद आया हूँ यही है। आपसे बड़ा देशभक्त भी कोई नहीं है? तो ही है ना थे ही हम मतलब ऑल इंडिया को छोड़ करके हम फॉरेन भी सर्विस किए हैं लंका वगैरह थे और जो ये कांग्रेस के टाइम पर है वो जो अपने राजीव गांधी के टाइम पर हमारे सामने ही मतलब हमारे दादी लंका मतलब IPKF में थे हम लोग उसके बाद ही तो उसका हुआ था ना घटना उसी कारण से हुआ भी था वही LTT वगैरह जो है उसी वजह से ये थे। ठीक धन्यवाद।